हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आप लोग के लिए एक बहाली निकल के आ रही है राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। देखिए गाइस, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर एक दो बहाली के लिए क्यों वीडियो बनाते हैं। तो गाइस, मेरा काम ही है कि वैकेंसी के बारे में मैं आप लोग को अपडेट दूँ, चाहे वो एक सीट निकले या 100 सीट निकले या 1000 सीट निकले। बस मैं आप लोग के पास में एक मीडियम हूँ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं एक माध्यम हूँ, ठीक है। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है वही कैंडिडेट इस वीडियो को देखिएगा। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए बहाली है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि रेगुलर भी हो सकता है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रोसेस सारा सरकारी, जो एक तरीके से एग्जामिनेशन लिया जाता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, उसी तरह से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोगों को सारा डिटेल प्रोवाइड करूँगा। और आने वाले समय में हर एक वीडियो का मैं आप लोग के पास इन्फॉर्मेशन दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक चेक कीजिए, वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म यहाँ पे आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेगा यहाँ पे 3 साल के लिए, लेकिन नीचे में लिखा गया है कि आप लोग को ये रेगुलर भी कर सकता है NIFT पॉलिसी के तहत में। तो देखिए, ये फॉर्म आप लोग का ऑनलाइन स्टार्ट होगा। यहाँ पर 10th 12th और IT वालों के लिए सीट है। तो यहाँ पे मैं IT वालों के लिए यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत ही कम सीट है। और ये आप लोग का फ़ोन नंबर पे देख पा रहे होंगे, मशीन मैकेनिक का यहाँ पे एक ही सीट है। और ये जनरल का है, यहाँ पे ग्रेड पे आप लोग का 2400 है। तो यहाँ पे 30,000 सैलरी आप लोग का यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर 2400 ग्रेड पे। अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ इसमें कौन सा ट्रेड वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया हूँ, 10th का भी है, ITI का भी है, ग्रेजुएट का भी है। तो सिर्फ पोस्ट एक ही है IT वालों के लिए, वो है आप लोग का मशीन मैकेनिक। इसमें आप लोग को ITI रहना चाहिए पास। कौन सा ट्रेड में? तो आप लोग का फिटर ट्रेड में। तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, आपका ITI पास NCVT या SCVT से यहाँ पे रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट लिखा गया है, तो दोनों से है तो आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को और भी इसमें डिटेल बताता हूँ, जैसे कि 10th 12th वाले जो है वो आप लोग डाउनलोड करके PDF देख लीजिएगा। जैसे MTS का सीट है 10th वालों के लिए, तो MTS का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फीस आप लोग का 500 रुपया लग रहा है जनरल, EWS एंड OBC वालों के लिए, SC ST फीमेल का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग का सेंटर यहाँ पे देख पा रहे होंगे श्रीनगर रहेगा, ठीक है। आप लोग का जम्मू कश्मीर में आप लोग का पोस्टिंग होगा। तो यहाँ पर आप लोग का रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ मैकेनिक वाले का। तो यहाँ पे आप लोग का ट्रेड का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद मैथ का, इंग्लिश का, GK GS का रहेगा, GA का रहेगा यहाँ पे। उसका प्रैक्टिकल होगा आप लोग का, टूल्स का देख पा रहे होंगे, डोमेस्टेशन करना होगा, मशीन ऑपरेशन करना होगा। रिटन टेस्ट का 70 मिनट समय दिया जाएगा, 70 mm लिखा गया है, सॉरी। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का रहेगा। उसके बाद स्किल टेस्ट 30 दिया गया है, उसके बाद ड्यूरेशन 20 मिनट लिखा गया है। अब MM क्या है मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ, फॉर्म आप लोग को ये ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन यहाँ पे देख पा रहे हूँ, मैं लिंक दिखा देता हूँ, यही लिंक है आप लोग का। और ये फॉर्म आप लोग 22 मई से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट इसका है 21 जून 2021 5:30 बजे तक। तो गाइज, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मतलब कि ये 3 साल का है, लेकिन ये रेगुलर आप लोग का कर सकता है। और इस वाले फॉर्म में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप लोग एलिजिबल है, इच्छुक है, तो फॉर्म को भर दीजिए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो मिलूंगा नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।